एक नैरेटिव है पॉलिटिकल नैरेटिव हिंदू वर्सेस हिंदुत्व और खासकर आरएसएस ब्रांड ऑफ हिंदुत्व आप क्या कहना चाहेंगे इस पर देखिए जो मुझे पता नहीं हिंदी का शब्द ठीक है कि नहीं पर जो अनाडी लोग होते हैं ना वही लोग ये हिंदू और हिंदुत्व तो में भेद करते हैं देखिए अगर आप हिंदू है तो आप आत्मा में विश्वास करते हो जी तो मुझे बताइए कि अगर शरीर से आत्मा निकाल दे तो क्या शरीर बचता है तो हिंदू से हिंदुत्व अगर निकाल दे तो क्या हिंदू बचेगा और जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात की उनको इतनी गहरी बात नहीं पता चलेगी इसलिए उनके लिए मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूं कि अगर हिंदू मोबाइल फोन है तो हिंदुत्व सिम कार्ड है अगर सिम कार्ड निकालेंगे तो फोन थोड़ी चलेगा तो उनको समझ में नहीं आता है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज है कोई अलग बात नहीं हो सकती है और आरएसएस का ब्रांड हिंदुत्व हिंदुत्व किसी का ब्रांड ही नहीं हो सकता भाई सब हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है जो दस हजार सालों से हम लोग इस जीवन पद्धति को जी रहे हैं इसमें कोई उपासना पद्धति ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं होता है क्योंकि निर्गुण निराकार भी हिंदू है सगुण साकार भी हिंदू है ईश्वर को मानो तो भी हिंदू है ईश्वर को न मानो तो भी हिंदू है हिंदुत्व में अलग अलग प्रकार के विचार है तो इसलिए ये एक मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी एक जीवन पद्धति है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी यही मानता है तो कई लोग इसको संकुचित विचार के साथ पूजा पद्धति से जोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात हिंदुत्व तो यानी क्या है सहिष्णुता है देखिए जो सहिष्णु नहीं है वो हिंदू नहीं है तो अगर हम, हम हमारे देश का इतिहास देखें तो हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और दुनिया ने जिनको बहिष्कृत किया परिष्कृत किया ऐसे सब लोगों को पनाह अगर किसी ने दी तो हमारे भारत ने दी ये तो हमारी संस्कृति है और यही हिंदुत्व है अब लोगों को यह समझ में नहीं आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं उनको देखिए कई बार तो यह होता है कि जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हो लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा समझ में मुझे ऐसा लगता है हिंदू और हिंदुत्व इसमें कोई भेद नहीं है और इसमें भेद करने वाले न हिंदुओं को जानते न हिंदुत्व को जानते